Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी agriculture optional answer writing practice series चल रही है उसके next question को आज हम लोग करने वाले हैं. And today's question is, write short note on social forestry and various themes related to social forestry. So first of all, I want to let you know that I have an agriculture optional course. अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, इफ यू गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ दिस चैनल, यू विल फाइंड टू प्लेलिस्ट्स, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 एंड एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2. सो आई हैव डिस्कस्ड सोशल फॉरेस्ट्री इन डिटेल इन एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 कोर्स, यू विल फाइंड इट देयर. एंड दिस कोर्स विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर प्रिपरेशन, सो यू मस्ट रेफर टू इट. नाउ लेट्स सी हाउ वी अप्रोच द आंसर. And you should also try to write these types of answers by yourself. ऐसे answers को आप खुद से भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं. It will be helpful to you because the more you write, the more you improve. जितना आप खुद से लिखोगे उतना improve करोगे. So you can just try to write those answers by yourself also. So let's see how we approach this answer. So first of all, social forestry. What is social forestry? नाम से चल रहा है social. और इसका एक डिफिनेशन काफी पॉपुलर डिफिनेशन गिवन बाय सोशल फॉरेस्ट्री फॉर सोशल फॉरेस्ट्री वाज फॉरेस्ट्री बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. मतलब ये डेमोक्रेसी का डिफिनेशन है, पर ऐसे सोशल फॉरेस्ट्री में काफी लोग भी जो काफी साइंटिस्ट्स वगैरह भी यूज करते हैं, सो रिसर्चर्स वगैरह भी समटाइम्स दे से दिस सोशल फॉरेस्ट्री इज अ फॉरेस्ट्री बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. सो बट लेट्स नाउ मूव टू अ टेक्निकल डेफिनेशन. व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? इट मींस द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड एफॉरेस्ट्रेशन ऑन बैरन लैंड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री ऑन लैंड्स आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग एनवायरमेंटल सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट. सो इट इज द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स, पहला तो ये हो गया, एफॉरेस्ट्रेशन ऑफ बैरन लैंड्स हो गया, एंड प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्स प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री ऑन लैंड्स आउटसाइड द कन्वेंशनल एरिया. जो लैंड्स है जो कन्वेंशनल एरिया से बाहर है वहां पर भी हम फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनवायरमेंट सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट, तक एनवायरमेंटल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो एंड रूरल डेवलपमेंट हो. सो दिस इज व्हाट सोशल फॉरेस्ट्री इज. Or especially social forestry, if you go to types, it is of three types. Social forestry generally of three types, that is urban forestry, rural forestry and farm forestry. Urban forestry is done in urban areas, जो भी urban areas है, roadsides हो गए, parks हो गए, वो सब urban forestry के अंदर आ जाते हैं. और जो rural forestry होता है, it is rural areas, generally developed in by the communities. जो भी कम्युनिटी लैंड्स होते हैं या तो रूरल एरियाज में जहाँ पे कुछ कम्युनिटीज वगैरह मिलकर डेवलप करते हैं, रूरल पीपल जनरली डेवलप करते हैं. और जो फार्म फॉरेस्ट्री हो गया, इट इज डेवलप्ड इन एग्रीकल्चरल लैंड. जो भी एग्रीकल्चरल या फार्म की लैंड है वहाँ पे हम फॉरेस्ट्री डेवलप कर सकते हैं. सो दीज आर जनरली थ्री टाइप्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री. नाउ मूविंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, आप ये भी लिख सकते हो इस आंसर में. सोशल फॉरेस्ट्री जनरली एक टर्म है तो अब उसको कुछ तो तीन चीजें उसके बारे में लिख सकती है, तो सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में एक पैराग्राफ लिख के कुछ इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, दैट कैन बी हेल्पफुल. जैसे मैंने यहाँ पे की लिखा हुआ है, प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट यूज मैनेजमेंट अमंग कम्युनिटीज एंड मैनेजमेंट अमंग कम्युनिटीज. सस्टेनेबल फॉरेस्ट यूज को प्रमोट करता है ये, इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अमंग कम्युनिटीज, एज अ लोकल कम्युनिटीज है दैट हेल्प इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कम्युनिटीज मिलकर फॉरेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट कर सकते हैं कोई एक कम्युनिटी. सो दैट कैन बी हेल्पफुल, इट एम्पावर्स कम्युनिटीज बाय रेजिंग देयर अवेयरनेस बाय कैपेसिटी बिल्डिंग हियर द कम्युनिटीज और यू कैन से द लोकल पीपल वर्क विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट समटाइम्स टू डेवलप सम सोशल फॉरेस्ट एरियाज. सो यहाँ पे ओवरऑल जो कम्युनिटीज होती है, रूरल कम्युनिटीज होती हैं, उनको एम्पावरमेंट मिलता है, इट एम्पावर्स कम्युनिटीज थ्रू इट. इट गिव्स कम्युनिटीज एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज. जो भी कम्युनिटी किसी एक फॉरेस्ट को मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे
एक्सेस मिलता है ओनली स्टोरेज का इन एक्सचेंज ऑफ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. जो मैनेज करते हैं, जो कम्युनिटीज किसी एक फॉरेस्ट एरिया को अगर मैनेज कर रहे हैं, तो वहां के जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जो कि जैसे लीफ्स हो गए, फॉडर हो गए, तो फिर कुछ फ्रूट्स आ रहे हैं, तो वो सबका यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का. हेल्प्स इन टैकलिंग पॉपुलेशन, स्पेशली जैसे कि मैंने अर्बन फॉरेस्ट्री की बात करी, अर्बन एरियाज में तो जो भी एयर पॉल्यूशन है, जैसे बात कर सकते हैं, ऑल अदर ट्रीज एक्ट एज नेचुरल फिल्टर्स, सो वहां पे इट कैन हेल्प इन टैकलिंग द एयर पॉल्यूशन स्पेशली इन अर्बन एरियाज. इट हेल्प्स इन इंक्रीज्ड बायोडायवर्सिटी ड्यू टू क्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट. सो ए ट्री, अगर आप किसी एक ट्री को भी गौर से देखो, तो इट होस्ट्स टू सो मेनी बर्ड्स. और अगर आप ग्रुप ऑफ ट्रीज को एक जगह कहीं प्लांट करते हो, तो सी इट कैन इंक्रीज द बायोडायवर्सिटी ऑफ दैट एरिया. हेल्प्स इन कार्बन रिमूवल, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की हम बात करते हैं. सो दीज ट्रीज कैन बी हेल्पफुल इन दैट ऑल्सो. सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंसेस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री विच आई रोट. और भी काफी सारे इम्पोर्टेंस हैं. The important ones which you want to include your answers, you can comment. आप comment करके बताएं कि और भी क्या क्या important points आपको लगते हैं जिसमें होने चाहिए. तो commenting gives you two benefits. First of it helps to increase your brainstorming capacity and also increases the interaction and involvement between us. So please comment. इससे मुझे पता चल पाएगा क्या क्या points सोच पा रहे हो. Now moving to the second part of the question, it is right sort of social forestry and various scenes related to social forestry. We have discussed social forestry in detail. Now we are going to the second part of the question, that is various scenes related to social forestry. Which are the very major scenes that are related to social forestry? The first one is Nagar Van Yojana. So the Nagar Van Yojana, the answer to the Nagar, that is urban development of forests. Nagar mein kaise aap practice karna hai. So iska aim kya tha ki to develop, aim was to develop 200 अर्बन फॉरेस्ट क्रॉस कंट्री. एंड इट इज क्वाइट नाइसली वर्किंग ऑन इट. सो ये एक मेजर डेवलपमेंट सीन है जो कि आप सोशल फॉरेस्ट्री के अर्बन फॉरेस्ट्री के अंदर ला सकते हो नगर वन योजना. अनदर इंपॉर्टेंट सीन इज स्कूल नर्सरी योजना. एज द नेम सजेस्ट्स, स्कूल नर्सरी. हियर इट द सीम प्रमोट्स स्कूल स्टूडेंट, प्रमोट्स अवेयरनेस और some type of capacity among school students to raising plant nurseries. Here, school students raise plant nursery. तो इससे क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स नर्सरी रेज करते हैं, उन्हें सिखाया जाता है कैसे रेज करना है, तो उससे स्टूडेंट्स की जो इंटरेक्शन है वो फॉरेस्ट के साथ वो भी इन्वॉल्व होते हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ती है अबाउट फॉरेस्ट, अबाउट देयर नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें प्रिजर्व करना है. सो दिस इज अनदर सीम which kind of can be included in social forestry. Next one is Campa, very popular scheme, that is Campa's full form is compensatory afforestation. Fund management. And planning authority. So, its main aim is compensatory afforestation. तो जो भी जैसे compensatory afforestation क्या था, जो भी forest land है, जो कि non-forest purpose के लिए divert कर दिया गया, उनके जगह पे compensation में कहीं और forest लगाना. जैसे मान के चलो कोई एक industry खोल रही है, यहाँ पे कोई forest है, यहाँ पे there are 100 trees here, और यहाँ पे कोई industry खोल दी गई जिसके वजह से ये 100 trees को काटना पड़ा. तो this forest land is diverted into for non-forest purpose. Industry is not a forestry purpose. तो अब कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन में क्या करना है कि इस जो यहाँ पे जो भी कटिंग हुई, जो भी डिफोरेस्टेशन हुआ, उसके कंपेंसेशन में कहीं और प्लांट करना. सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ दिस इंडस्ट्री टू प्लांट टू कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन ऑफ अराउंड. जैसे यहाँ पे 100 ट्रीज काटी, तो 100 या उससे ज्यादा ट्रीज को ये लोग को प्लांट करना है किसी और जगह पे. सो दैट कि जो भी डाइवर्टेड लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड जो कि नॉन फॉरेस्ट पर्पस में डाइवर्ट हुआ, उसका कहीं पे यूज हो सके और सस्टेनेबली हम फॉरेस्ट को मेंटेन कर पाए. So that is what CAMPA is. So it is also a very good scheme. Next scheme is the National Afforestation Program, which came in 2000 ISP mein aaya tha, and its main aim to afforestation of degraded lands.
एफोरेस्टेशन ऑफ इट्स मेन एम वाज टू डू एफोरेस्टेशन इन डिग्रेडेड लैंड्स और द लैंड्स जो कि डिग्रेड हो चुके हैं, काफी बैरन लैंड्स हो चुके हैं, वहां पर एफोरेस्टेशन करो. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीम कैन बी नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, इन शॉर्ट में ग्रीन इंडिया मिशन भी कहते हैं, जो कि 2014 में आया था. इट्स एम वाज आल्सो कि जैसे सोशल फॉरेस्ट्री वगैरह को प्रमोट किया जाए, टू डू एफोरेस्टेशन इन एरियाज जहां पे डिफोरेस्टेशन हो चुका है इन पास्ट, ओवरऑल टू मेक इंडिया ग्रीन, to do plantation in urban areas. So these were each it aims. So these are the major schemes related to social forestry. I hope you understood these schemes. Or jo bhi aapko kuch schemes lagta hai ki it is important and must be included here, you must let us know that scheme by commenting. Aur khud ke answers na incorporate kar sakte ho. So that is all for today. I hope you understand these things. And so please do like. Please do share. Please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos on regular basis for you. And if you like to share, subscribe, it motivates us to make more such videos for you. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.